फ्रेंड्स, मैं सिर्फ निजैन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है जीएसटी में नए सेक्शन 128 को लेकर है। यहाँ पर ये जो सेक्शन है नोटिफाइड हो चुका है। इसमें जो है एक प्रोसीजर है, उसके थ्रू आपको जो है अपने टैक्स को डिपॉजिट कराना है ताकि आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी वेव हो जाए। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, समझिएगा। इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि यहाँ पर आपको फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है। 128 सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, क्लोज एबीसी में क्या है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जो है पूरा वन बाय वन पॉइंट टू पॉइंट चेक करेंगे। ये 8 अक्टूबर को आई है, लेकिन इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो नोटिफिकेशन जो है वो इफेक्टिव होगी 1 नवंबर 2024, 1 नवंबर 2024, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर एक ट्विस्ट आ गया है। सबको पहले लग रहा था कि 31 मार्च 25 डेट है, लेकिन नहीं, इसमें दो अलग अलग डेट है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। इन्होंने कहा कि जो पर्सन स्पेसिफाइड, ये जो डेटा है ये स्पेसिफाइड है कॉलम नंबर 3, तो हमारी जो कॉलम नंबर 3 है वो ये है, ठीक है। वीडियो काफी शॉर्ट में रहने वाला है। इन्होंने कहा कि अगर आप इस डेट तक पेमेंट कर देते हैं टैक्स पेबल एज पर नोटिस स्टेटमेंट और ऑर्डर, तीनों में से कुछ हो सकता है, रेफर्ड इन क्लोज ए बी एंड क्लोज सी, इसके लिए डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाकर सर्च कर लीजिएगा, 128 मिल जाएगा। कोई भी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इन्होंने यहाँ पर दिए गए। अब इसमें इन्होंने दो कैटेगरी कर दी। वैसे तो यहाँ पर जो है 31 मार्च 2025 लिखा था जब रिकमेंडेशन आई थी, लेकिन अब दो अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर कर दी। तो ये सीरियल नंबर दिए गए हैं, सीरियल नंबर 1 एंड 2, तो सीरियल नंबर तो 2 ही है इसमें। यहाँ पर जो है ये कॉलम बनाए गए हैं 1, 2 एंड 3, ये क्लास ऑफ पर्सन लिखे हैं, ये डेट लिखी हुई है कि इस डेट तक अगर आप टैक्स की पेमेंट कर देते हैं किसी भी कोई भी नोटिस स्टेटमेंट ऑर्डर पास हुआ क्लोज ए क्लोज बी क्लोज सी जो कि 128 की क्लोज है, तो आपको जो है वेवर मिलेगा इंटरेस्ट और पेनल्टी और बोथ। अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट से, पेनल्टी लग रही है तो पेनल्टी से, और अगर दोनों है किसी भी ऑर्डर में तो दोनों से ये स्टेटमेंट में। अब यहाँ पर क्या है, वे रजिस्टर्ड पर्सन जिनको नोटिस आया है क्लोज ए या क्लोज बी या क्लोज सी ऑफ 128 में वो इशू किया गया है, इसकी क्लोज अलग अलग है, डी भी एक क्लोज है, ठीक है। इसीलिए इन्होंने कहा कि ए बी या सी के अंडर में अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट ऑर्डर या नोटिस आया हुआ है, नोटिस तक भी कवर कर लिया इन्होंने, तो 31 मार्च 2025 लास्ट डेट है, यहां तक आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करना ही सफिशिएंट नहीं है, पेमेंट करने के बाद उसकी इन्फॉर्मेशन जो अथॉरिटी है, जो भी प्रॉपर ऑफिसर है, वहां पर सबमिट भी करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है, वो ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जिनको पहले नोटिस आया था 74 में, फिर इन एस्पेक्ट ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 128 एंड ऑर्डर इज पास टू बी रिक्वायर्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। अब इन्होंने जो बाद में इन्होंने क्या किया, उसके लिए अथॉरिटी अपीलेट अथॉरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल या ऑनरेबल कोर्ट के पास वो चले गए, और उन्होंने वहां पर जाकर ये प्रूफ हो गया कि ये जो नोटिस है ये आपका जो है 73(1) का है, 74 का नहीं है, 73(1) का है। हाँ, मिस्टेक तो है, डिमांड भी डिटरमाइंड है, लेकिन 74 में नहीं है, 73 में है, क्योंकि इसमें जो 128 है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये जो सेक्शन है इसमें आप अगर आपका ऑर्डर स्टेटमेंट या नोटिस 74 में आया है तब आप इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी वेवर नहीं होगा। तो रजिस्टर्ड पर्सन को फाइट करनी है यहाँ पर कि जो भी उनका है ये नोटिस है, कोई ऑर्डर है 74 का है, तो उन्होंने यहाँ पर जो है अपीलेट अथॉरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल या फिर ऑनरेबल कोर्ट के पास अपने सबमिशन सबमिट किए, उसके बाद उन्होंने इसको कन्वर्ट करा लिया। ये मान लिया गया है कि डिटर्मिनेशन जो टैक्स पेबल है वो 73 में है, 73(1) में है, 74 में नहीं है, तो उनके लिए जो डेटा है वो 31 मार्च 25 नहीं है। उनके लिए जो डेटा है वो स्पेसिफिक डेटा है, क्या डेटा है, डेट एंडिंग ऑन कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर बाय द प्रॉपर ऑफिसर रीडिटरमाइनिंग टैक्स अंडर 73 ऑफ एक्ट। तो इन्होंने कहा कि जो डेट है जहां पर ये 6 मंथ कंप्लीट हो रहे हैं आपके, जो 73 में ऑर्डर आया, नॉर्मल वाला ऑर्डर नहीं, पहले वो 73-74 में नोटिस गया था, बाद में डिसाइड हुआ कि नहीं आपका जो है वो 73 का 74 का केस नहीं है, मतलब फ्रॉड विलफुल मिसस्टेटमेंट सप्रेशन ऑफ फैक्ट वाली चीजें आपके इस नोटिस में नहीं है, तो आप जो है कवर हो गए किसमें, 73 में। तो 73 में अगर कवर हो गए हैं तो 73 में जिस वक्त वो ऑर्डर पास हुआ है उस डेट से लेकर यहां पर जो है 6 महीने जब पूरे हो रहे होंगे, तो उससे पहले पहले आपको ये कंप्लीट करना है, डेट एंडिंग ऑन कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर बाय द प्रॉपर ऑफिसर रीडिटरमाइनिंग टैक्स अंडर सेक्शन 73। ध्यान रखिए, ऐसे पर्सन जिन्होंने 73 से 74 में आए थे, तो 73 का जो ऑर्डर है वहां से उनके 6 महीने काउंट होंगे।
अभी डेट इससे ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी रह सकती है, ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं लिखी गई है। उसकी जो इफेक्टिव डेट है वो आपकी 1st of November 2024 है। आपको जो है इसका टैक्स जमा करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर इस वाली नोटिफिकेशन का रेफरेंस देते हुए कि जी हमने इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के तहत हमने इस क्लोज के अंडर में ये टैक्स पर्टिकुलर डेट में जमा कर दिया है, इसका चालान ये है, और यहाँ पर जो भी आपकी पेनल्टी लगी हुई है, जो इंटरेस्ट है उसकी ड्रॉपिंग की आपको वहां पर डिमांड करनी है। तो जो टैक्स है वो तो गवर्नमेंट के पास चला गया है, जो इंटरेस्ट और पेनल्टी है उसका वेवर होने के बाद आपको फाइनल ऑर्डर आ जाएगा, मतलब आपके आपके फेवर में ऑर्डर आ जाएगा कि जो आपने टैक्स कर दिया है जमा, ये पेनल्टी और आपकी इंटरेस्ट वेव हो रहे हैं और अब ये फाइनल ऑर्डर आपको मिल जाएगा। तो आपको शांत नहीं बैठना है, टैक्स पे करके प्रॉपरली नोटिफिकेशन के साथ उसका रिप्लाई भी सबमिट करना है। मेरे यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर मैंने काफी सारे वीडियोज अपलोड किए गए हैं, इसमें टाइप के नोटिस के रिप्लाई, अलग अलग ड्राफ्ट फॉर्मेट सब कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। अपील फाइल कर रहे हैं तो अपील के क्या ड्राफ्ट रहने वाले हैं सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और ड्राफ्ट फॉर्मेट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। चैनल का जो पर्पज है फुल्ली एजुकेशनल है, सब्सक्राइब करें, न करें, वीडियो देखें और आगे शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।